हमारे भारत के न्यूज चैनल्स न सिर्फ देश के अंदर बल्कि दुनिया भर में ही बदनाम है। ये जो न्यूज प्रेजेंट करते हैं उनमें न्यूज कम और मसाला ज्यादा लगाया जाता है। टीवी के ऊपर डिबेट्स के दौरान डिस्कशन कम और बहसबाजी ज्यादा होती है, और जो ये न्यूज चैनल्स डिबेट करवाते हैं वो भी कभी किसी कंक्रीट टॉपिक के ऊपर कभी नहीं होती है। शायद ही आपने टीवी के ऊपर किसी काम के मुद्दे के ऊपर डिबेट देखी होगी। और आजकल तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए न्यूज चैनल्स के एंकर्स जिस तरह की चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग करते हैं उसने तो भारतीय मीडिया हाउसेस का स्तर और भी नीचे गिरा दिया है। बस यही कारण था कि कई सारे भारतीय लोगों ने टीवी के ऊपर न्यूज चैनल से न्यूज सुनने की बजाय यूट्यूब के ऊपर न्यूज सुनना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ये मेनस्ट्रीम न्यूज चैनल्स जो प्रोग्राम टीवी के लिए रिकॉर्ड करते हैं वही यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर किसी न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन भारत के जो अधिकतर मेनस्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं जो मुख्य तौर पर टीवी ऑडियंस के लिए न्यूज कवरेज करते हैं, इन्होंने यूक्रेन रशिया मसले की शुरू से अब तक लगातार रिपोर्टिंग जारी रखी है। भारत के न्यूज चैनल्स शुरू से ही इस मसले में रशिया को विलन के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को लेकर उल्टी सीधी हेडलाइंस छापी जा रही थी, रशिया के खिलाफ रिपोर्टिंग की जा रही थी। कुछ चैनल्स तो रशिया के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि रशिया यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला करने ही वाला है। ये सब एक तरह से यूक्रेन के प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम कर रहे थे। इसको लेकर पिछले महीने रशिया की जो भारत में एम्बेसी है उसके अधिकारियों ने भी भारत से आपत्ति जताई थी और कहा था कि भारत के कुछ मीडिया हाउसेस रशिया को लेकर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं जिसका जमीनी सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अब लगता है कि भारतीय सरकार के सर से भी पानी ऊपर उठ चुका है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध के छिड़ने के 60 दिनों के बाद अभी कुछ ही घंटे पहले मोदी सरकार ने भारत के न्यूज चैनल्स को रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर रिपोर्टिंग को लेकर फटकार लगाई है। दरअसल भारतीय सरकार की इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करके केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट 1995 की सेक्शन 20 को फॉलो करने के लिए कहा है, वरना न्यूज चैनल्स के ऊपर भारतीय सरकार द्वारा कार्रवाई होगी। सरकार ने कहा है कि फेक हेडलाइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका न्यूज से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का हवाला देकर भारत में फेक न्यूज फैलाई जा रही है, और इन सब चैनल्स के एंकर्स और जर्नलिस्ट व्यूवर्स को उत्तेजित करने के लिए तोड़ मरोड़ कर न्यूज पेश कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट ने बिना किसी चैनल का नाम लिए कुछ टैगलाइंस और प्रोग्राम हेडलाइन भी पेश किए हैं जो इस तरह से हैं। यूक्रेन में एटमी हड़कंप, जिसमें दावा किया गया कि रशिया यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने ही वाला है। रशिया ने यूक्रेन को न्यूक्लियर हमला करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। एक चैनल की हेडलाइन थी परमाणु पुतिन से परेशान ज़ेलेंस्की, परमाणु एक्शन की चिंता ज़ेलेंस्की को डिप्रेशन, रशिया ने कहा वर्ल्ड वॉर 3 शुरू, पुतिन का परमाणु प्लान तैयार, परमाणु हमला होना तय, मारियोपोल फिनिश्ड फुल एंड फाइनल, ये रात कयामत वाली। आप सोचिए कि सरकार ने सारी टैगलाइंस अपनी एडवाइजरी में डेट्स के साथ बकायदा मेंशन भी किए हैं और कहा है कि इस तरह की रिपोर्टिंग भारत में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखा जाए तो इन सभी हेडलाइंस में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को विलेन और रशिया को एक आक्रमक के रूप में दिखाया गया है। सरकार ने इस बार वार्निंग देकर इन सभी न्यूज चैनल्स को छोड़ दिया है। शायद एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई की जानी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, तभी शायद इनको समझ आता। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत का कौन सा न्यूज चैनल रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है और इस तरह की हेडलाइंस छाप रहा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।